गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सेकंड के लेसन नंबर 1 हिमालय नामक कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पाठ से पहले पर्वतराज हिमालय हमारे देश का पहरेदार है, हमारे देश की रक्षा करता है एक पहरेदार की भांति, जो हमें अचल कहते हैं, स्थिर व अटल रहने की प्रेरणा देता है। अर्थात वह हमें सारी परेशानियों में एक अपने प्रण पर अटल रहने की, स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। आगे हम क्रम अनुसार पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। यहाँ पे खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ने आंधे पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। अर्थात खड़ा हिमालय कि हिमालय कवि कविता के माध्यम से कह रहा है कि हिमालय खड़ा हुआ हमें बता रहा है कि डरो ने आंधी पानी से, कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत आंधी में, बारिश में, तूफान में खड़ा रहता है, समान रूप से वह डरता नहीं है। अब आंधी और तूफान आने पर रक्ति भर भी जरा भी अपने स्थान से नहीं हिलता है। वह कह रहा है कि तुम भी इसी प्रकार खड़े रहो तुम अविचल होकर, यानी कि स्थिर होकर अपने स्थान पर खड़े रहो सब संकट तूफानी में, कि तुम भी सारे संकटों में, हर परेशानी में एक अविचल होकर अपने स्थान पर खड़े रहो। वह हमें यह शिक्षा देता है कि अपने पथ पर डटे रहो, अपने पथ पर अविचल होकर, स्थिर होकर खड़े रहो। आगे देखेंगे, डिगो ने अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। कवि कह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि डिगो यानी कि अपने पथ से विचलित होना, अपने जो अपना संकल्प है उससे डिगना, उससे हटना। प्रण कहते हैं संकल्प को, कि अपने आपने जो अपना संकल्प लिया है, आपने जो अपना प्रण लिया है उससे हटना नहीं है, उस पर डिगे रहो, उस पर अड़े रहो, तो तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम जो भी संकल्प तुमने लिया है, सारी इच्छाएं अपनी पूरी कर सकते हो। फिर वह कह रहा है कि तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, तुम भी इतने ऊंचे उठ सकते हो कि आसमान, नभ कहते हैं आसमान को, कि नभ के आसमान के तारों को भी छू सकते हो, तुम इतने ऊंचे उठ सकते हो। अपने संकल्प को हमेशा अपने मन में रख के उस पर अडिग रहो, अपने प्रण को जो संकल्प लिया है आपने, आप उसको हमेशा पाने का प्रयत्न करो। यह हिमालय पर्वत हमें शिक्षा दे रहा है। आगे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। आगे कवि कह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि अचल कहते हैं बिना चले हुए, स्थिर रहना, कि अपने पथ पर जो अचल रहा है, पथ कहते हैं रास्ता, कि अपने रास्ते पर जो स्थिर रहा है, अडिग रहा है, अपने संकल्प को मन में रख कर वह अडिग रहा है, लाख मुसीबत आने पर भी वह अपने संकल्प को नहीं छोड़ता है, जो उसने प्रण लिया है वह उसको नहीं छोड़ता है। मिली सफलता जग में उसको, कि उसको जग में सफलता मिलती है जीने में मर जाने में, या तो वह चाहे तो वह जिए फिर या तो मरे, उसको सफलता ज़रूर मिलती है।
जो अपने पथ पर अड़िग रहते हैं, जो अपने संकल्प को लाख मुसीबत आने पर भी छोड़ते नहीं हैं, लाख परेशानियां आने पर भी छोड़ते नहीं हैं और डरते नहीं हैं कि यह हम किस प्रकार करेंगे, उनको सफलता ज़रूर मिलती है, वह एक दिन सफल ज़रूर होते हैं। यही शिक्षा हमें हिमालय दे रहा है। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा यह कविता लिखित है। आगे जीवन मूल्य, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जीवन मूल्य, संकट का सामना करने वाला ही सफल होता है, अर्थात जो परेशानियों का सामना करता है, जो संकटों का सामना करता है, वही सफल होता है, उसी को सफलता प्राप्त होती है। आगे यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अविचल, बिना हिले, संकट परेशानी, डिगना विचलित होना, प्रण प्रतिज्ञा, नभाकाश, अचल स्थिर, पथ रास्ता, इनको लिखकर याद करेंगे और अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। आगे एक्सरसाइज हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। धन्यवाद।